2013 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी भारी मतों से जीतती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी है, जबकि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। दिल्ली में इस पार्टी ने कांग्रेस का भंडाधार करते हुए बीजेपी का भी खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी रुझानों में 157 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 23 सीटों पर आगे है। अन्य के पक्ष में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी यहां रुझानों में 155 और कांग्रेस 64 सीटों पर आगे दिख रही है। यहां अन्य के पक्ष में 11 रुझान दिख रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45 और कांग्रेस 43 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में मतों की गिनती सोमवार। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।